सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। 5,000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उद्देश्य आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मर सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। अच्छा हुआ जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके।